हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको हिमालय की एक मिस्टीरियस ममी दिखाने जा रहे हैं। सामने आप जो सुंदर नेचुरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे मूनलैंड कहा जाता है। ग्यू विलेज के इस ब्यूटीफुल सफर पे ये रिवर भी हमारी साथी बनी रहेगी। अभी हम पहुंच चुके हैं ग्यू विलेज में। सामने आप ग्यू मोनेस्ट्री की पार्किंग देख सकते हैं। यहाँ मोनेस्ट्री प्रेमिसेस को विजिट करने के लिए आपको 30 रुपीज की एंट्री फीस पे करनी पड़ती है। सामने आप ग्यू विलेज को देख सकते हैं। अभी हम आ गए हैं ग्यू मोनेस्ट्री और यहाँ की मम्मी देखते हैं। सबसे पहले मोनेस्ट्री में चलते हैं। मोनेस्ट्री अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन यहाँ के व्यूज आपको स्पीचलेस कर देते हैं। सामने वाले इस रूम में ही वो मिस्टीरियस मम्मी है। इस एरिया में 1975 में भूकंप आया था और इस विलेज में बने हुए 6 स्तूपास बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे। सन 1981 में जब ITBP के जवान अपना बंकर बनाने के लिए यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, तब खुदाई के दौरान ही इस मम्मी को खोजा गया था। साल 2002 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, जिन्होंने कार्बन डेटिंग के द्वारा यह पता लगाया कि ये मम्मी सन 1430 से इसी यौगिक पोस्चर में है। यहाँ की फोकलोर के अनुसार बहुत साल पहले ये एरिया बिच्छुओं के प्रकोप से प्रभावित था, तो ऐसे में लामा जी श्री सांगा तेंजिन ने सेल्फ ममिफिकेशन कर लोगों को बिच्छुओं के प्रकोप से मुक्ति दिलाई थी। सेल्फ ममिफिकेशन बुद्धिज्म की एक रेयर प्रैक्टिस है, जिसमें बौद्ध भिक्षु सालों की तपस्या के बाद अपने खान पान को नियंत्रित करके और यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी बॉडी को मम्मी में तब्दील कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए किसी भी आर्टिफिशियल केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, और यहाँ के लोग मानते हैं कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। How was the mummy? Creepy. Friends, आपको मम्मी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।